अधिकारी खबरों में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 35 में मौजूद हूँ। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विनीत यादव चितवी मैदान में संभावित प्रत्याशी के रूप में है और उन्होंने वो समाज से भी है, उन्होंने समाज में बहुत बड़ा तेज काम किया। आपने चुनाव में 35 से संभावित प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी से दावेदारी की है, तो आपने मन किस तरीके से मन बनाया है समाजवादी पार्टी में आज? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर आए और आपने मेरे बारे में सोचा, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपको कि मैं आज इस वार्ड नंबर 35 में जो एक संभावित प्रत्याशी के रूप में हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र की जनता को पूरा श्रेय जाता है कि जिनकी वजह से आज मैं इस क्षेत्र के अंदर हूँ, उनकी ही देन है कि आज मैं यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर इस चुनावी मैदान में उतरा हुआ हूँ। क्योंकि मैं अपने आप इस इलेक्शन में नहीं आया, मुझे यहाँ के क्षेत्र की जनता ने खुद इलेक्शन लड़ाया है और खुद इलेक्शन लड़ाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं। और कल परसों की भी बात है कि हमारे जो महानगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 के केवल स्पेशली एक ही समुदाय के जो व्यक्ति थे, केवल मुस्लिम समाज के लोग करीब 150 से 200 व्यक्ति हमारे ऊपर कोर्ट में जो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वहां पर केवल एक विनीत यादव के लिए 200 आदमी आवेदन करने पहुंचे थे, केवल एक विनीत यादव के लिए। विनीत यादव जी, जिस तरीके से आपने जो है समाजवादी पार्टी से अपनी संभावित दावेदारी की है, आप 35 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 35 में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मुद्दे क्या है आपके इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि हमारा ये 35 नंबर जो वार्ड है, एक तो होता है कि पिछड़ा, और ये हमारा जो अति पिछड़ा हमारा क्षेत्र है, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा मेरा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन उद्देश्य है इस क्षेत्र में आने का, वो केवल यही है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहता हूँ, और केवल मेरा मेन उद्देश्य यही होगा कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करा सकूं। विनीत यादव जी, आपके बारे में चर्चा यह है कि आप समाज से भी है, आप विभिन्न योजनाएं क्षेत्र में लाए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देन आपकी है, सड़कों की देन आपकी है, आप संघर्षशील व्यक्ति है, तो आपने चुनाव में जो मन बनाया है, तो ये विरासत में आपको मन बनाया मिला है या आप में समाज के काम करते करते ये जिज्ञासा पैदा हुई है? देखिए, सबसे पहले ये है कि आपको मुझे बताना नहीं पड़ा और आपको जनता ने अवगत करा दिया कि यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र हमारे मेरे पिताजी के माध्यम से खोला गया था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उसको यहाँ पे बनवाने के लिए, तो वो स्वास्थ्य केंद्र जो महफूज नगर के नाम से हमारे मेलरोड बाईपास पे वो स्थापित है, और वहाँ पे लोग जो है वहाँ उसका फायदा उठा रहे हैं, लोग जा रहे हैं यहाँ से और अपना इलाज फ्री में करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पिताजी की देन रही मेरे लिए और उनका आशीर्वाद के रूप में मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। और दूसरी चीज बताना चाहता हूँ समाज सेवा के बारे में, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। इसी वार्ड नंबर 35 के अंदर हम लोगों ने एक शिक्षा केंद्र चलाया था निःशुल्क, जिसमें हम लोग कम से कम 80 से 100 बच्चियों को फ्री पढ़ाने का काम करते थे, उनका किताब का खर्चा, उनकी ड्रेस का खर्चा जो भी, और उनको जो हमने टीचर हायर कर रखे थे वहां पर, उनका पूरा खर्चा हमारा संगठन चलाता था। एक हम छोटा संगठन चलाते हैं अपना, एक सर्वसमाज शिक्षा सेवा समिति के नाम से, उसके माध्यम से हम लोग उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे वहां पर। और समाज सेवा की बात कहें तो समाज सेवा करते करते हमें करीब 10 से 12 साल हो गया, 10 से 12 साल में मैं आज अब तक करीब 20 गरीब परिवार की बेटियों की शादी करा चुका हूँ, जैसे कि और 250 से 300 हर साल गर्मी जाड़े के दिन में मैं कंबल बांटने का काम करता हूँ, और गर्मियों के दिनों में हर एक रोड पे अपने क्षेत्र में जितने भी रोड होते हैं वहाँ पे ठंडे पानी के प्याऊ लगाने का काम किया, यानी कहने का मतलब जो समाज सेवा से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं कार्य होते हैं उनको मैं करता रहता हूँ, और यही देन है उसी की समाज सेवा की, कि उसको देखते हुए हमारे ही समाज के लोगों ने मुझे इस मैदान में उतारने का काम किया, और आज भी वो मेरे साथ में लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ में, यहाँ तक कि इतना है कि वो लोग मेरे साथ पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और ये है कि मुझे उम्मीद है अगर उन लोगों ने इसी जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, जिस तरीके से मुझे मैदान में उतारा है, तो उनकी जो उम्मीद उन्होंने मुझसे लगा के रखी है, और मैं आपके चैनल से उन लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि जो उम्मीद आपने मुझसे लगा रखी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूं। उम्मीद मुझसे लगाई है उससे ज्यादा काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जहां पर आपका खून गिरेगा मैं, जहां पर आपका पसीना गिरेगा मैं आपका खून बहाने का, अपना खून बहाने का काम करूंगा।